परजेंट बाई काका म्यूजिक। महाराज क्या हुआ, गरीब निर्धन ब्राह्मण है तो मित्रता क्या धन देखकर की जाती है? मित्रता में कोई भेदभाव नहीं होता। और तुम कैसे मित्र हो, इतने दिन हो गए, कभी बताया भी नहीं हमें तो। अरे कभी मिलके आओ मित्र से अपने से। आए द्वारिका पास नहीं एक धैरा। सुशीला द्वारिका कैसे जाएं, कुछ नहीं है देने को, भेंट क्या देंगे? भेंट तो होनी चाहिए, द्वारिका का राजा है, सब कहेंगे कन्हैया का मित्र है, कुछ लाया भी नहीं, इतने वर्षों बाद मिलने आए। तो तुम चिंता मत करो, उसका इंतजाम मैं कर दूंगा। तो सुशीला गई पास के घरों में और भैया चार मुट्ठी चिवड़े बांध कर एक पुराने से फटे कपड़े में बांधा है उसको, और आज सुदामा पंडित जी को दिया कि जाओ महाराज ये लो, ये भेंट प्रदान कर देना। और एक बात छोटी सी मेरी तरफ से द्वारकाधीश के चरणों में निवेदन कर देना कि सुशीला मैं मांगूंगा नहीं उससे कुछ। तू सोच रही होगी धन दौलत मांग के लाऊं कि ना ना मांगना नहीं है कुछ, बस एक छोटी सी अरज है वो लगा देना उसके चरणों में कि क्या है कि मास दिवस दो पक्ष में दो एकादशी हो जोत। और हे द्वारिकाधीश मास दिवस दो पक्ष में दो एकादशी होती है, लेकिन गोविंद तूने इतनी कृपा कर रखी है जो द्वारिकाधीश ने नित ही दीनी मोर। हे गोविंद मास एक महीने में दो पक्ष होते हैं और दो पक्षों में दो एकादशियां होती हैं, लेकिन गोविंद तेरी इतनी कृपा है हमारे ऊपर, हमारे घर में नित्य प्रति एकादशी होती है। बस हे गोविंद महाराज इतनी सी अरज लगा देना मेरी उनके चरणों में। ठीक है सुशीला कह दूंगा ये बात। यहाँ पर भैया सुदामा पंडित जी चलने लगे। चलिए श्याम भगवान का ध्यान करते चलो, कुछ मांगना देने देखा जाएगा। लेकिन इस बहाने गोविंद के दर्शन हो गए, काफी दिनों के काफी दिन हो गए हैं मिले हुए। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। बगल में दबाए, चावल की पोटली बगल में।
कनुआ कनुआ कहूं तो ठीक है भैया, ऐसा कर कि आप जाइए और द्वारका अपने वो तुम्हारे द्वारकाधीश ने उनसे निवेदन करो कि आपके मित्र आए पंडित जी सुदामा। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीबा
सुदामा पंडित जी का नाम सुना कन्हैया ने तो भगवान द्वारकाधीश खड़े हो गए। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन।